मंगनी होने के बाद आपस में बातचीत करते हैं ना, ये लिख के ले लें, उनका शादी के बाद रिश्ता कामयाब नहीं होता, सिवाय 1% के, 99% तलाकें होती हैं। जितना शादी से पहले लड़की से रिजर्व रहोगे ना और लड़की आपसे रिजर्व रहेगी, उतना ही शादी के बाद कामयाबी का चांस बढ़ जाता है। और जितना शादी से पहले फ्री हो गए, उतना शादी के बाद तलाक का रेशो बढ़ जाए, तलाक का चांस बढ़ जाएगा। मंगेतर के साथ जो मोहब्बत होती है मिच्योर नहीं होती, जज्बाती होती है, जोश इसमें बहुत होता है। बड़ी बड़ी बातें घंटों घंटों फोन पे लगे हुए, ऐसा लगता है एलफी से चिपका लिया है। जब दोनों का मिलाप होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होते हैं, तो मैच्योरिटी आ जाती है, वो जज्बात नहीं रहते। जब जज्बात नहीं रहते तो औरत वही तवक्को करती है कि पहले तो घंटा घंटा फोन पे चिपका रहता था, अब दो बातें करो तो उधर करके सो जाता है, बातें ना हो तो फिर शादी के बाद ये बातचीत शुरू होती है। 6 महीने तो बातचीत में गुजर जाते हैं, मोहब्बत इतनी होती है। उसके बाद दोनों जज्बात आहिस्ता आहिस्ता उनमें मेच्योरिटी आना शुरू होती है। उमूमन इस दौरान हमल भी ठहर जाता है, तो मर्द फिर उसको इस नियत से नहीं देखता सिर्फ कि मेरी बीवी है, बल्कि इस नियत से भी देखना शुरू करते हैं मेरे बच्चे की क्या है, माँ है। और आपस में एतमाद भी होता है, औरत को पता होता है इसने मुझे फ्री नहीं कराया तो किसी और औरत को कहां से फ्री कराएगा, मैं तो मंगेतर थी, अब क्या हो गया। और मर्द को पता होता है मैं इसका मंगेतर था, फिर भी इसने खुदा के खौफ में मुझे फ्री नहीं कराया, हालांकि इसको पता था मैं इसका मियां बनने वाला हूं, तो किसी और मर्द को कहां से लिफ्ट कराएगी।